नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी। जिस तरह से देश ने छप्पर फाड़ कर भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को बहुमत दिया है, उसके अनुसार ही देश की जनता की उम्मीदें भी पार्टी से, देश के पीएम से उतनी ही बढ़ गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस बात से नकार नहीं सकती, इनकार नहीं कर सकती कि जो वायदे जो बातें उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही है उनको निभाने में कहीं ना कहीं वो आनाकानी नहीं कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जितनी बड़ी जीत लोकतंत्र में किसी पार्टी को मिलती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। जैसा कि पीएम मोदी ने कल जो भाषण दिया पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जनता जनार्दन के जो समर्थन मिला है उसको निभाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, बदनीयत और बद इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि वो संविधान के अनुरूप काम करेंगे, संविधान के अनुरूप चलेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी बता दिया कि संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान के अनुरूप ही देश का शासन संचालित होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं। उन तमाम वायदों को लेकर जनता की भूख भी उन पर टिक गई है, जनता की उम्मीदें भी उन पर टिक गई है, लोगों को भी लगता है, विपक्ष को भी ये लगेगा और विपक्ष का दायित्व भी रहेगा कि जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान की है उन पर वो खरा उतरती है नहीं उतरती है, उन बातों पर बार बार दबाव बनाने का प्रयास भी विरोधी करेंगे और विरोधियों को करना भी चाहिए। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर झा जी, भारतीय जनता पार्टी से आपका स्वागत है। बुराराम सिरवी साहब है कांग्रेस पार्टी से, सिरवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिरवी जी आपको सबसे पहले बात करूंगा श्याम जी से। श्याम जी, जिस तरह की उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, उम्मीद से बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा जिस तरह का जन समर्थन पूरे देश में मिला है, उत्तर हो चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो दक्षिण हो, चारों दिशाओं से ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं रहा जहां से भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन नहीं मिला हो। जनता ने खूब दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, यानी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो बड़ी उम्मीदें भी है। आपको लगता है धारा 370, राम मंदिर और 35A जैसे बड़े मुद्दे अब उनका समाधान कर पाएगी पार्टी, ये बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने? जी बिल्कुल, जो भी मुद्दे चुनाव लड़ने से पहले हमने उठाए थे और जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे और जो वचन पत्र है उसमें जो मुद्दों को हमने उल्लेख किया है, जिन मुद्दों का उल्लेख किया है, वो सारे मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि है। और साथ में जिस प्रकार जनता ने, भारत के देशवासियों ने सिर माथे पर बिठाया है नरेंद्र भाई मोदी जी को, और मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना देश की जनता ने, और उनका 5 साल का कार्यकाल देखते हुए एक बार को ये मान सकते हैं कि जनता ने नंबर दिए कि इस 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें मोदी जी को कितने नंबर मिलने चाहिए। तो उस नाते अगर हम देखें तो जनता ने उससे भी बढ़ चढ़कर नंबर दिए, यानी कहीं ना कहीं उनको, उनके कार्यों को, उनकी नीतियों को लोगों ने सराहा है और विश्वास जताया नरेंद्र भाई मोदी पे लोगों ने। और जनता ने विश्वास जहां जताया है तो जिम्मेदारी वहां कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है, अधिक बढ़ जाती है। कल का जो संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी का, और उस संबोधन के नाते उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके जो कार्य पद्धति में कहीं कमी नहीं आएगी, बल्कि उनकी कार्य पद्धति अब और कार्य की क्षमता उनकी दुगनी हो बढ़ेगी और दुगने एफिशिएंसी से वो कार्य करेंगे, देश का विकास करेंगे और सबका साथ सबका विकास उनका सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा है, उसको लेकर चलेंगे। बिल्कुल, पार्टी का ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास। सिरवी जी, इनको उम्मीद है कि जिस तरह का जनता ने जन समर्थन दिया है उसी के अनुरूप पार्टी काम करेगी, और देश के पीएम ने भी अपने प्रथम संबोधन में इस बात को उल्लेखित करने का प्रयास किया। उनका कहना कि मेरे शरीर का एक एक कण एक एक पल शरीर देश के लिए समर्पित है, तो साफ सी बात है कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, उनको लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने का प्रयास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायदे 2014 के दौरान किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, वो भी अब उनको पूरा करना उनका दायित्व बनता है। सिर्फ जी, आपको लगता है ऐसा सब कुछ हो पाएगा? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के मार्फत जो है उन तमाम जो कैंडिडेट, चाहे NDA के हो, UPA के हो या अदर पार्टी हैं, जिनके भी चुनाव परिणाम जीते हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।
साथ में ही मैं इस चीज का, हमारे भाई श्याम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को जिस टाइप का नंबर मिला है, 2014 के अंदर भी बहुत अच्छा नंबर मिला था, पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आए थे, परंतु 2019 में पूरे इलेक्शन में जब हम देखा कि उन्होंने उन विकास के मुद्दों पे या 370 की बात पे या राम मंदिर, ये जितने भी मुद्दे थे वो पूरे गायब हो गए, देश को सिर्फ एक भावात्मक मुद्दों पे ले जाके जिस टाइप से एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, परंतु हम विपक्ष में हैं, हमारी जो है भूमिका पहले से भी ज़्यादा मजबूत तरीके से होगी कि हम इन मुद्दों पे बार बार एनडीए का ध्यान आकर्षित करें कि देश का आप भला कैसे कर सकते हो, आप जो 370 की बात करते हो या भारत को विकास में आगे बढ़ाने की बात करते हो, तो हम हमेशा जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उस समय कांग्रेस पूर्ण रूपेण, कांग्रेस ही नहीं कांग्रेस के अलावा जो घटक थे वो भी प्रधानमंत्री के साथ में थे और उन्होंने कंधे से कंधे मिला के इसके लिए सहयोग किया। और अगले ही दिन आपने प्रश्न उठा दिया था, आपने उस समय पहले दिन स्टेटमेंट कुछ और, अगले दिन आपने प्रश्न उठा दिया, सेना पे प्रश्न उठा दिया, जिस सेना ने अपने शौर्य के दम पे सर्जिकल स्ट्राइक किया और विश्व में विपक्ष का कहेंगे झंडा गाड़ा नहीं उसका, और उसके ऊपर श्याम जी मैं आपको आपकी बात को काटना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ जो मुद्दे 2014 के अंदर जो घोषणा पत्र में थे वो कहीं ना कहीं 2019 में उनको पूर्ण नहीं कर पाने के कारण, लेकिन अब मुझे लगता है सिर्वी जी क्योंकि कोई बहाना नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी के पास भी और देश के पीएम के पास भी कि वो 2014 के बचे हुए वायदे भी पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि अगर जो वायदे रह गए हैं उनको पूरा करना तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि सरकार वही है, पीएम वही है, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। 2014 के वायदे तो अपनी जगह है ही, 2019 के जुड़ और गए हैं, अब तो इनके पास इनको करना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो प्राथमिकता थी सबका साथ सबका विकास, उसमें अगर हम देखें तो आज गांव-गांव में आज शौचालय की जो व्यवस्था सर्व धर्म के लिए हो, चाहे वो किसी जाति समाज के लिए नहीं है, वर्ग विशेष के लिए नहीं है, गांव-गांव में शौचालय की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में आपने देखा एक परिवर्तन की लहर लहर चली, और उसके बाद पीने का पानी नहीं है, शौचालय में पानी कहां से लगा के नाम पे आज जो प्रधानमंत्री ने अपना विजन दिखाया और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी सारी आई मेक इन इंडिया के तहत, उसके जरिए से और कई आप रोडों के माध्यम से ले लें, इंफ्रा के माध्यम से ले लें, और विकास के जो कार्य हुए आज जनता से छुपा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरह से आज जनता अवेयर है, गांव-गांव ढांडी-ढांडी तक लोग हर चीज की चर्चा करते हैं। श्याम जी कुछ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में आपने कई स्मार्ट सिटी की कल्पना करवाई भारत को, प्रोसेस में है, घोषणा की जो प्राथमिकता थी, जो प्राथमिकता थी उसमें कार्य किया है। मुझे इतना बता दीजिए एक आध आदर्श गांव के बारे में, या बहुत आवश्यक था, आप जाइए प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में जाइए, आपको एक क्या सिर्फ एक पीएम के लोकसभा क्षेत्र को ही आपको, मैं अपने 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 जो राष्ट्राध्यक्ष है आप एक भी बता दीजिए राजस्थान में एक भी बता दीजिए कि इस आदर्श गांव को जो है वो फलाने सभी सांसदों ने गोद लिया ने भी तो गोद लिया था उस गांव का विकास, आप भी बताइए, आप अगर विपक्ष में थे तो आप बताइए ना कि विपक्ष को सजा दे दी जनता ने, हमारे पास में विपक्ष को सजा दे दी जनता ने, भाई ये नहीं कर पाए काम तभी आज विपक्ष में बैठे। एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा श्याम जी, एक बात सुनिए, एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा, मेरी श्याम जी सुनिए, विपक्ष पिछली बार भी नहीं थे, श्याम जी सुनिए, इस बार भी नहीं है, विपक्ष बनने का मौका भी नहीं दिया जनता ने, श्याम जी सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने काम किए होते तो 55 पे नहीं सिमटते जी, आपको अवसर दिया तो अब आपको करना पड़ेगा। देखिए सभी चीजों पे काम चल रहा है, हमारे को सिर्फ आप एक स्मार्ट सिटी से मेगा सिटी या स्मार्ट सिटी जो बना है उसका ब्यौरा दे दीजिए, सभी पे कार्य चल रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में आपको स्पष्ट यदि आपको आपने यदि कुछ काम किया होता तो ये इस टाइप के जो है वो शहीदों के शौर्य पे और इलेक्शन आपको मूवमेंट
जो है भावात्मक मुद्दों पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ काम दिखेगा इसलिए नहीं, आप अपना चश्मा उतार के अगर देखेंगे, जनता को काम दिखा इसलिए जनता ने सराहा और जनता ने बढ़ चढ़ के नंबर दिए। नंबर अगर आपको विपक्ष को काम नहीं दिखा, लेकिन जिनको दिखना चाहिए उनको दिखा और उन्होंने चुना, दोबारा मौका दिया और अधिक मतों से मौका दिया। मैं आपको ये बता दूं, ये भारत देश जो है वो विविध धर्मों का और जातियों का देश है जी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो भावनाओं में बहता है, और जिस टाइप से विकास के मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको लगता है ये मुद्दों को भुलाकर इन्होंने सिर्फ भावनाओं से खेल, भावनाओं से खेल, भावनाओं का धर्म चुनाव। बहुत सही बात कही नीरज जी, इन्होंने ये जो इनको नस पता थी भारत देश की, कि भारत देश भावनाओं में बहने वाला देश है, 70 साल तक इन्होंने भावनाओं में बहा करके और इनका जितना शोषण हो सकता था देश का किया, लेकिन आज जागरूक लोग समझदार है, पढ़े लिखे एक भी बता दीजिए श्याम गांव में श्याम जी के पढ़े लिखे लोग हैं, पानी के लिए आपने क्या किया पूरे हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे लोग हैं और गांव-गांव में सोशल मीडिया से लेके हर तरह से अवेयर है। हां ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, जितना क्या क्या सही है और क्या गलत है। अब श्याम जी श्याम जी सिर्वी जी को भी अपनी बात रख लेते हैं। श्याम जी मैं आपको एक चीज बिल्कुल आपको लगता है जिस टाइप से इन्होंने पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी रहते हुए उन्होंने जिस टाइप से अपनी पार्टी का प्रचार और प्रचार किया, मैं जहां तक समझता हूं उन्होंने विकास को मुद्दा कम बनाया, बाकी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया। और ऐसा कोई काम भाई श्याम जी बता दे कि ये हमने स्मार्ट सिटी जो बनाई है उसका उल्लेख कर दे, या पानी के लिए हमने ये प्रबंधन किया वो बता दे, या जो भी एरिया का विकास किया, या जो नई कोई इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो, या राजस्थान की बात करो, राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब को पूरी जानकारी या तो नहीं है कि एक भी इंडस्ट्री लगी हो। आज सैमसंग की सबसे बड़ा जो प्लांट है वो भारत में है, और जाने कितने मोबाइल कंपनियां, 17 मोबाइल कंपनियां भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रही हैं, और ऐसे राम जी दूर संचार सुनिए पता होना चाहिए, बात पूरी सुन लीजिए, और मेक इन इंडिया के तहत बाहर से जो अपने व्हीकल की कंपनियां, कई कारों की कंपनियां आई जिन्होंने अपने प्लांट लगाए और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। श्याम जी मुझे लगता है चुनाव में सारे मुद्दे गायब रहे, कई प्लांट ये चुनाव में सारे मुद्दे गायब रहे, जनता ने सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी की सूरत देखकर, सारे जो मोदी जी की सूरत देखकर पूरे सांसद चुने, और यही कारण था कि ये सारे कार्य मोदी जी के ही, जहां भी चुनाव हुए वहां पर सिर्फ मोदी जी का चेहरा रहा, मोदी जी के उनकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। और जिस तरह से मोदी जी को बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लोगों की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी ने कहा था राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकेंगे, धारा 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो ये तमाम वो विषय है जो जनता के जहन में है। जनता को पता है कि यार ये काम तो अब मोदी जी के राज में हो ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का बहुमत मिला है उनके पास कोई बहाना नहीं है। क्या सिर्फ जी बहाना करने का अवसर मिलेगा सरकार को किसी तरह का कि भाई हम ये नहीं कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है जी, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक अपने माइंड में एक थ्योरी बना दी थी कि 2019 का इलेक्शन हमारे को वापस जीतना कैसे है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 5 वर्षों तक कोई काम नहीं किया, और लास्ट मोमेंट पे एक सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना बना के पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही नाम रखा इन्होंने, नरेंद्र मोदी को वोट देना, परंतु जो सांसदों के विकास के कार्य थे वो गुमसुम हो गए थे। और भारत का मान लीजिए किसान जो है वो भी यदि बाहर से कोई व्यापार करना चाह रहा था, या उसका जो है किसी भी प्रकार का जो उद्योग है या फल सब्जी है, उन चीज़ों पे जो है इस टाइप की विदेश नीति बना दी थी कि वो एक्सपोर्ट भी रुक गए थे, और जिसके कारण आज किसान की हालत जो है वो पूरे देश में ख़राब है, और जिसका नतीजा आप पिछले लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम बातें थी उसके बावजूद इलेक्शन में उसका कहीं असर नजर नहीं आया। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखने में तो कामयाब रही, लेकिन विपक्ष जो तमाम बातें थी उन विषयों को शायद उठा नहीं पाई या जनता तक पहुंचा नहीं पाई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को कहां बंपर जो है मैंडेट मिला है और बहुमत मिला है, और कांग्रेस पार्टी कहां बिल्कुल सिमट गई है, सैकड़ा पूरा नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं देखिए रणनीति का तो अंतर रहा है,
और रणनीति में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो सफल रही, कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष जो है विफल रहे, या फिर जो क्षेत्रीय दल थे जिनसे गठबंधन होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, कई विषय रहे होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता को ज़्यादा उम्मीदें हैं। श्याम जी जैसा ये कह रहे हैं कि लग रहा है भैया अब तो 370 हट जाएगी, राजस्थान से जो पाकिस्तान पानी जा रहा था वो भी रुक जाएगा। देखिए जो भी विकास के कार्य होंगे सारे किए जाएंगे, और जो जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा हमने लोगों के बीच गए वो मुद्दे हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं, और उन मुद्दों से हम कहीं भटक नहीं सकते, उन मुद्दों पे ही हमें कार्य करना है। और मुद्दे लेके कांग्रेस भी गई थी जनता के बीच और प्रलोभन भी दिया, 72,000 हो या कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने नकार दिया। लोगों को पता है कि सही कौन है गलत कौन है, आपने दुष्प्रचार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में जनता जागरूक है, उन्हें पता है कि कौन चोर है, कौन जमानत पर है और कौन साहूकार है। आज जनता को भ्रमित आप नहीं कर सकते, आज जनता बहुत जागरूक है, हर चीज को एक एक बिल्कुल सही कहा श्याम जी, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है जी। और जनता का फैसला जिस तरह से मिला है वाकई में ऐतिहासिक है, मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जिम्मेदारी अब मोदी जी की बनती है कि वो किस तरह से जनता से किए गए वायदों को निभाएंगे। श्रीवी जी क्या लगता है पिछली बार की तरह ही सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेलेंगे या फिर कुछ करने की उम्मीद आपको लगती है? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जिस टाइप का मैंडेट मिला है और 2019 में एक बार काट की हांडी जो है वो एक बार चढ़ती है, दोबारा चढ़ी है ना 2019 में, यदि वापस काम नहीं करेंगे तो वापस 2024 इलेक्शन आ रहा है, और जो ये समय है वो बड़ा जल्दी से निकलता है, और इसको 2024 में 400 पार उस पे भी मद्देनजर रखना चाहिए। सिर्वी जी 2024 में 400 पार, और जिस टाइप से भाई श्याम जी बता रहे हैं ये आप 370 हटा दोगे और ये इस टाइप के जो भी काम करेंगे, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप ये भारत के विकास के लिए काम करिए। निश्चित रूप से जिस टाइप का अभी तो सिर्फ भावात्मक कारणों से जो है आपको सफलता मिली है, और यदि काम करेंगे निश्चित रूप से मिलेगी। तो सिर्वी जी इन्होंने तो आंकड़ा भी दे दिया 400 पार, परंतु देखिए आज ये कह रहे थे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर आज लोग तुरंत एनालाइज करते हैं और तुरंत रिजल्ट देते हैं। श्याम जी आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर जो आप बात कर रहे थे, भावनाओं में बहना होता तो 72,000 के पीछे चले जाते लोग, लेकिन लोगों ने तय किया कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है श्याम जी, और उन्होंने सही की तरफ पॉजिटिव विचारधारा की तरफ मूव किया लोगों ने। श्याम जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उम्मीदें करिए, ये हमेशा राजनीति में समय हर का आता है। आपने जिस समय विधानसभाओं में राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों ने एक मानस बनाया था कि नहीं हमारी केंद्र में सरकार है और हमने बहुत अच्छे काम किए, तो आपको राजस्थान में और यहाँ सब जगह मैंडेट नहीं मिला था। अरे तो ये इसका कारण क्या था? राजस्थान में आपने लोगों को छला, आपने कर्ज माफी 10 दिन में करने का वादा किया, और आपने बेरोजगारों को आपने यही आ रहा हूँ आप पे लगा रही हैं वादा किया, यही आ रहा हूँ आप पे लगा रही हैं। निश्चित रूप से आपने क्या किया, आप कोई काम बताइए करें, आप हमारे को एक स्मार्ट सिटी का नाम गिना दीजिए कि राजस्थान में हमने ये किया, राजस्थान में जल के लिए हम खाते खुले, आपने लोगों को बहुत अच्छी बात करी श्याम जी का, आपने मुद्रा लोन के जरिए से 17 करोड़ लोगों को लोन मिला, आज गैस के कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में मिले, आज गरीबों को मकान मिला, आज गांव में शौचालय बने। आपको मेरे को लगता है ये जो आपका डिबेट का समय है, जो कांग्रेस अगर आपको कार्य के लिए कांग्रेस की योजनाएं थे आपने उसका नाम बदलने का काम किया था, 3 घंटे नाम बदलने का काम किया था, भी रखे अगर होगा आपने नाम बदलने का काम किया था, आधार की योजना हो ये सभी योजना, इसीलिए लोगों ने दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार की उपलब्धियां थी, और जिसको आपने बुनाने का काम किया प्रचार करने का, मैंने आपको पहले कहा आपने काम नहीं किया, अगर किए होते हैं तो उनको आज मैं आपने केवल नाम रखे, आपने 2019 का इलेक्शन भावनात्मक मुद्दों के हिसाब से और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से और राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बना के, राष्ट्रवादी है हम उसमें गलत क्या है? आपको लगता श्याम जी अब सरकार कर पाएगी जो वायदे अधूरे रह गए हैं? जी बिल्कुल, सारे वादे जो जनता के बीच किए हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे, और जो विश्वास जताया देश के जनता ने और उस विश्वास को पूरी तरह से निभाने की कोशिश की जाएगी। श्रीजी जिस तरह छप्पर फाड़ कर जनता ने बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को, आपको लगता है
जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या विपक्ष को बार बार इनको जगाना पड़ेगा? विपक्ष का मुख्य रोल रहेगा कि हम जो है इनको मुद्दे टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेंगे, और हमें ऐसा ही लगता है कि इन्होंने जिस टाइप से चलावा जो है वो 2019 में किया है, और भारत की जो जनता है वो देख रही है कि 2019 में जो हमने जो है मेजोरिटी से इनको वापस दिया है, और 2014 में भी मेजोरिटी से आए और 2019 में दोबारा मौका दिया है भारत में विकास होना चाहिए, ये हमारी विपक्ष के नाते जिम्मेदारी है। हम हर मुद्दे पे इनको ताकि जनता का काम हो, विकास हो, और जो पानी की बात जो आपने बहुत अच्छी तरह रखी कि अभी पाकिस्तान को हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को पानी मिले, और हिंदुस्तान का चाहे किसान हो या अगर आपने चाहा होता तो फिर आप विपक्ष में नहीं होते और किया होता आपने। बिल्कुल श्याम जी, आपने अपनी बात रखी, सिरवी साहब ने अपनी बात रखी, देश की तमाम जनता को इस बात की उम्मीद है, और नरेंद्र मोदी में उनको एक महानायक नजर आता है, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें महानायक मिला है जो उनके सफलों को साकार करेगा, और जिस तरह के वायदे पीएम मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए हैं उन पर वो खरा उतरे, ऐसी उपेक्षा है, उम्मीद है, और उन वायदों को पूरा करने के लिए समय समय पर विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए और सरकार की नींद उड़ाए, तब वो वायदे धरातल पर नजर आएंगे, ऐसी तमाम विश्वास देश की जनता को है, और इसी उम्मीद के साथ देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है। आप मुद्दा गर्भ में पता है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे अतिथि जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो जनता जनार्दन ने जनाधार दिया है उसके अनुरूप ही काम होगा, और कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है कि जैसा विपक्ष की तरफ से सरकार को सहयोग की बात होगी, सहयोग देंगे, और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर दबाव भी बनाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर उनको याद भी दिलाएंगे कि आप ये वादे करके जनता से आए हैं, इन वायदों को निभाइए, जो 2014 के वायदे अधूरे रह गए उनको पूरा कीजिए, जो 2019 से वायदे कीजिए किए हैं उनको पूरा कीजिए, और इन तमाम बातों के साथ ही देश की जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरने का प्रयास करेगी, और विपक्ष कहीं कहीं वायदों को याद दिलाने का काम करेगी। मुद्दा क्रम में आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।